दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिया गया सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करें, बाद में वो ग्रे हो जाएगा, इसका मतलब आपका सब्सक्रिप्शन पूरा हो गया है, और साथ ही बेल आइकन दबाएं। स्वागत है दोस्तों आपका नए यूट्यूब चैनल बुक्स रिव्यू फॉर यू पर। इसमें मैं आपको प्रत्येक बुक का रिव्यू बताऊंगा, उसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं, लेखक कौन से हैं, कितने रुपये में आपको ये मिल सकती है, और भी बहुत कुछ बुक के बारे में। दोस्तों जो ये वीडियो है आज का, ये पहला वीडियो है, इसमें हम लक्ष्य की फर्स्ट ग्रेड पे जीके की जो स्कूल व्याख्याते के लिए किताब है उसकी रिव्यू करेंगे। इसमें क्या क्या दे रखा है और इस किताब के बारे में बहुत कुछ। दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्ते दोस्तों, आज जिस किताब की रिव्यू करना जा रहे हैं हम, उसका नाम लक्ष्य है और ये स्कूल व्याख्याता के लिए लिखी गई है। ये पेपर फर्स्ट की बुक है। इसके कवर पेज के बारे में जानते हैं। इसका जो कवर पेज है इस पे एक लेमिनेटेड पन्नी है जो होलोग्राम के साथ लक्ष्य नाम लिखा हुआ है ये है, और इसके बैक पेज को भी देखें अगर तो बैक पेज पे भी ये पन्नी लगी हुई है, और बैक पेज पे इसका जो सेकंड पेपर की बुक्स आ रही है उसके बारे में कुछ डिटेल दे रखी है, और साथ ही फर्स्ट पेपर में कौन सी बुक अवेलेबल है, और इस बुक की MRP जो 838 रुपये है वो दे रखी है। ये बुक MRP पे नहीं, कुछ डिस्काउंट में मिलती है, वो आप कैलकुलेट करके दुकान वाले से पूछ के बाद में ही लेवें। और इस फर्स्ट पेज पे इस होलोग्राम को देख लें ये लिखा हुआ है। अब जो नेक्स्ट पेज खोलते हैं उस पेज पे इन्होंने स्पेशली जो नकली बुक आ रही है मार्केट में उसके लिए लिखा है, ध्यान दें ये बुक असली है या नहीं, इसको लिए आपको जो पन्नी है बार की 3D डिजाइन करी हुई इसको देख लेवे, क्योंकि इन्होंने शायद कुछ बुक स्टोर से वहाँ से नकली बुक जो लक्ष्य की है मिली है इनको, इसलिए इन्होंने ये सावधानी बरती है। अगले पेज पे अगर चलते हैं तो इन्होंने यहाँ पे लक्ष्य फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता स्कूल शिक्षा पेपर फर्स्ट ये लिखा है, और जो लेखक है इसके किताब के वो डॉक्टर महावीर जैन है, कांति जैन है, अंशुल जैन है और सेजल जैन है, और इसका जो मुद्रक है वो लक्ष्य मनोप्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड जयपुर है। अब इसके अगले पेज में अनुक्रमणिका दे रखी है कि इस किताब में क्या क्या है, विषय वस्तु है इसकी, इसमें राजस्थान से रिलेटेड भूगोल, अर्थव्यवस्था और राजस्थान का इतिहास, और उसके बाद में भारतीय राजनीति, इंग्लिश का कुछ पार्ट है, हिंदी, सामान्य विज्ञान, और उसके बाद में शैक्षिक प्रशासन और प्रबंध है सब्जेक्ट, उसका काफ़ी बड़ा पार्ट दे रखा है जो लगभग 100 पेज का है। उसके बाद में गणित है, इसको भी छोटे रूप में दिया है, और लास्ट में मेंटल एबिलिटी जो मानसिक योग्यता परीक्षण है उसे दे रखा है, जो भी लगभग 100 पेज का है। उसके बाद में जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है उसे इन्होंने इंग्लिश में प्रिंट किया है जो पेपर फर्स्ट का लेक्चरर के लिए है। इसको हम एक बार ब्रीफली इंट्रोडक्ट कर लेते हैं। इसमें शुरुआत में जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडी दे रखी है, जो राजस्थान का GK है उसे इन्होंने इसमें दिया है। जो सेकंड नंबर पे सिलेबस में है वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, मानसिक योग्यता जो इस पेज पर आप देख सकते हैं सिलेबस वो है, और उसके बाद में स्टेटिक्स है, मैथमेटिक्स है जो सेकेंडरी लेवल की है 10वीं क्लास तक की स्टैंडर्ड का इसमें आएगा, मेंसुरेशन भी है, और हिंदी है, हिंदी में कुछ संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोमार्थ, सब ये सिलेबस में। इस सिलेबस को आप पोज करके जूम करके आराम से देख सकते हैं। अगला पार्ट लेते हैं, इसका पेज देखते हैं, तो उस पेज पे जनरल इंग्लिश है उसकी डिटेल दे रखी है, करंट अफेयर्स जो सिलेबस में है, जनरल साइंस है, इंडियन पॉलिटी है, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान ये भी सिलेबस में, और एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन सिनेरियो ये भी राजस्थान का जो है इसमें दे रखा है। इस किताब का शुरुआती देखते हैं तो इन्होंने शुरुआत में कुछ प्रश्न पत्र है जो पुरानी परीक्षाओं में आए हुए हैं उनको हल करके दिया है। जैसे ये प्रश्न पत्र आप देख सकते हैं 2016 का है, इसे हल करके दिया है और पोज करके आप इसे बार बार देख पाएंगे, इसलिए मैं इसको थोड़ा धीरे धीरे ले रहा हूँ वीडियो को। और अगला जो पेपर है इसका 2014 का है, ये भी सॉल्व्ड है, जिससे आपको आइडिया लग सकता है कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक और क्वेश्चन पेपर है 2012 का, ये भी सॉल्व्ड है, 3 प्रश्न पत्र इसमें दे रखे हैं जिसे आप आराम से आइडिया लगा सकते हैं कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसका जो प्रथम भाग है उसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान दिया गया है। इसका इंट्रोडक्शन शुरुआत में है, राजस्थान एक परिचय शुरुआत कर रखी है, उसके बाद में कुछ टेबल्स बना के इन्होंने ब्रीफ किया है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं राजस्थान के परिचय के संबंध में,
जैसे लोक देवता कौन से हैं, उनके लोक देवियां कौन सी है, और पुराने जो नाम थे सिटीज़ के उसके अब नए नाम क्या है, बोलियां क्या थी, लोक नृत्य क्या है, रचनाएं, इसे आप इस किताब में पाएंगे। इस किताब की जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो जानने की चीज़ है, स्पेशल चीज़ है, वो है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हर चैप्टर के पीछे आपको ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिल जाएंगे, जिसको आपको ये रहेगा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कितनी चीज़ याद हुई है और किस तरह के प्रश्न बनते हैं इस चैप्टर में। हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं। दोस्तों, इसमें मैं पूरे किताब का रिव्यू नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कुछ कुछ स्थान पर हम देख सकते हैं क्या क्या दे रखा है। जैसे यहाँ पे इतिहास में है आमेर के कछुओं का इतिहास, इसको आप पॉज करके देखें। ब चौहान के वंश का भी जो इतिहास है, अजमेर रणथंबोर हिस्ट्री में इन्होंने ये कवर किया है, राजस्थान की। इसके बाद में जंप करते हैं सीधा, तो जो वर्तमान के नेताजी, वो नेताजी थे उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस, उनके बारे में इन्होंने दिया है। और भी जो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो हर चैप्टर के बाद में आपको मिलेंगे। ये कुछ चीज़ें हैं जो इंग्लिश की है, आई थिंक पैसिव डिग्रीज, हाँ पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस है इसके बारे में। और फिर क्रिया, सकर्मक, अकर्मक, पूर्वकालीन, ये दे रखी है। अब इसके अंतिम पेज पे चलते हैं। अंतिम पेज पे जो अंदर वाला है उसमें भी फिर नकालों से सावधान ये हिदायत दी गई है। तो बार बार इस चीज़ का ध्यान रखें आप, किताब आपको असली मिले, 10-15 रुपये के लालच में आप पुराना नकली किताब नहीं खरीदें। और इसकी लास्ट पेज की जो पन्नी है वो आपको बताई थी, लेमिनेशन है, और जो साइड इसका पोर्शन है वो ये है। इसमें लक्ष्य फर्स्ट ग्रेड जीके लिखा हुआ है और लक्ष्य का लोगो लगा हुआ है। दोस्तों, ये रिव्यू था इस बुक के बारे में, लक्ष्य जो राजस्थान फर्स्ट ग्रेड जीके की फर्स्ट पेपर की है, स्कूल व्याख्या तक लिखी गई है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी गई है, जिससे कि आप इस किताब को घर बैठे ही पता लगा सकें कि इसमें क्या क्या है और आप अपना निर्णय ले सके तो आपको कौन सी किताब खरीदनी है। और दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में आपको कुछ सुधार करना है, कुछ चीज़ें ऐड करनी है, वो भी मुझे बताएं, और साथ ही इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसको आपको हर बुक का रिव्यू देखने को मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।